सभी साथियों को भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह का जय हिंद। दोस्तों अब एक खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली में हमारे भाई लोग हैं जो आर्मी जो एयरफोर्स इनरोलमेंट और आर्मी पेंडिंग एग्जाम वाले अभ्यर्थी थे, ऐसे 1.5 लाख अभ्यर्थी थे जो कि एयरफोर्स वाले भर्ती हो चुके थे और उनकी सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी थी, और इंडियन आर्मी के ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिनका मेडिकल क्लियर हो गया था, सिर्फ उनका रिटर्न एग्जाम बाकी था। आपको पहले पता ही होगा कि पहले इंडियन आर्मी में फिजिकल होता था, और फिजिकल में मान लिया जाए कि 10,000 की भीड़ है तो वहां से मेडिकल में केवल 1500, 1600 या 2000 लोग पहुंचते थे और रिटर्न एग्जाम में जस्ट के आधे हो जाते थे। तो फिजिकल पार कर लिया तो मतलब 70% लड़ाई तो वो जीती हुई समझते थे वो लोग, और अगर मेडिकल फिट है तो बहुत ज्यादा चांस हो जाते थे उनके सिलेक्शन होने के। लेकिन ये घटना थी 2022 की, जब तक अग्निपथ नहीं आई थी तब तक कई बार इन लोगों ने सवाल भी किए तो गवर्नमेंट ने दिलासा दिया जल्दी आपकी भर्ती के ऊपर संज्ञान लिया जाएगा, जल्दी आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जून में आ जाती है आपकी अग्निपथ स्कीम, और अग्निपथ स्कीम आने के बाद में जो ये अभ्यर्थी थे जिनका किसी का रिटर्न एग्जाम बाकी था और किसी का आपका इनरोलमेंट बाकी था एयरफोर्स वालों का, इन लोगों की सारी भर्ती निरस्त कर दी जाती है। तो सोचिए कि कितना बड़ा इन लोगों के साथ में खिलवाड़ हुआ है, और इसी वजह से वो आज दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। और बहुत सारी खबर निकल के आ रही है कि जंतर मंतर में इन्होंने परमिशन ली थी, लेकिन ये उपराष्ट्रपति भवन के आसपास भी चले गए और वहां पर भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया, जहां की पुलिस के साथ में इनकी मतलब गहमागहमी, कई बार बोल चले, पुलिस को कई बार अपना बल प्रयोग भी करना पड़ा। तो मैं उन बच्चों से बोलना चाहता हूं कि आपके जज्बात और आपके हौसलों को हम सलाम करते हैं, आपकी कद्र करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान भी देना होगा कि यार इस प्रकार के कदम कहीं ना कहीं हमारे लिए गले की फांस ना बन जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे जो एक मतलब बहुत बड़े लेवल के नेता हो गए, यानी कि राष्ट्रपति के बाद में वही आते हैं। तो वहां पर दोस्तों कुछ सिक्योरिटी का मुद्दा भी आप लोगों के ऊपर लग सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम वो लड़ाई तो जीत जाएं आर्मी पेंडिंग भर्ती और एयरफोर्स ज्वाइनिंग वाली, कहीं ये लड़ाई में कहीं हमारे पर में पुलिस का ऐसा कोई दाग न लग जाए या पुलिस की कोई ऐसी FIR या कुछ ऐसे धारा न लग जाए जो कि हमारे आने वाले समय के लिए मतलब जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़े। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग कहीं भी धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसके लिए पहले परमिशन लीजिए, और इस प्रकार जो भी हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति PM ऐसे लोगों के जो आवास के पास में आके आप लोग धरना प्रदर्शन न करें, इससे आप लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हाँ आप अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से जंतर मंतर में प्रदर्शन करके भी मना सकते हैं, उसके लिए पहले आप परमिशन ले लें और सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग भी आवाज उठाएं और हम लोग भी आवाज उठाएं, शायद कुछ अच्छे आगे के लिए राह निकल जाए। अब दूसरा मेन बात यह है कि आखिर इन लोगों का दर्द समझेगा कौन, भर्ती इनकी निरस्त कर दी, साथ ही जो इतने साल जो उस वक्त जिनकी एज 18 साल रही होगी 19 साल रही होगी वो तो अब ओवर एज हो गए वो अपनी भर्तियों से, तो उनमें उनका तो कोई दोष है नहीं, उन्होंने तो अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी करी दी थी, किसी का ज्वाइनिंग बाकी था किसी का रिटर्न एग्जाम बाकी था। तो मैं हमारी सरकार से यही पूछना चाहता हूं कि आखिर इन बच्चों का कसूर क्या था, आप इनके साथ में ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं, कितने मतलब दुर्भाग्य की बात है कि इन लोगों को अपना जायज हक लेने के लिए आज सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या हमारी मानवता खत्म हो गई है, क्या हम नेता नगरी इस चीज में इतना डूब चुके हैं कि हम इंसानियत भी भूल जाएं? क्यों इन बच्चों का दुख दर्द हमारी सरकार समझ नहीं पा रही है, क्यों हमारी सरकार इनके माता पिता का दर्द समझ नहीं पा रही, कितनी मुश्किल होती है कि अपने बच्चे को अपनी रोजमर्रा फौज में आता ही कौन है, किसान का बेटा या नीचे लेवल का है, कोई मंत्रियों के बेटे तो वहां आते नहीं है। तो एक तो घर से वैसे ही वो है, दूसरा इनका सपना वर्दी का था, इन्होंने मेहनत भी करी सफलता भी पाई, लास्ट में आपने इनके साथ में ऐसा व्यवहार कर दिया, तो इनका आवाज उठाना भी जायज है। अब हमारे सरकार का काम है इस पे एक संज्ञान लेना और इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद न होने देना, यह हमारे सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से इन बच्चों की आवाज उठाता हूं, आप लोग भी इन बच्चों के लिए वीडियो जरूर बनाएं, सोशल मीडिया के थ्रू इनके ऊपर दबाव जरूर डालें। जय हिंद जय भारत।